इसका एसे एट द इसका रेट एसे एट द रेट 2019, टू ठीक है, मैंने इसमें इन कर लॉगिन कर दिया। दिया। लॉगिन जैसे लॉगिन ही आप जैसे ही आप करेंगे ये करेंगे आपका आपका सर्वर ओपन सर्वर हो ओपन के हो आएगा, जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे डेटाबेस डेटाबेस दिखाएगा। दिखाएगा, आप आप डेटाबेस में डेटाबेस में जाएंगे जाएंगे, तो जितने जितने भी भी डेटाबेस, डेटाबेस, ये देखिए ये देखिए एबीसीडी टेस्ट एबीसीडी मैंने टेस्ट अभी मैंने अभी डेटाबेस डेटाबेस बनाया, बनाया, एक एक अमेरिका अमेरिका एनर्जी एनर्जी बना बना हुआ हुआ है, है, ठीक ठीक है। है। तो तो ये ये आपको आपको डेटाबेस डेटाबेस पे, पे, ये ये टेस्ट टेस्ट डेटाबेस डेटाबेस करके करके एक एक नीचे नीचे ही ही बना बना हुआ हुआ है, है, ये ये पहले पहले से से और और भी भी बने बने हुए हुए डेटाबेस। डेटाबेस। तो तो हमें हमें क्या क्या करना करना है, है, बैकअप बैकअप लेना लेना है। है। तो तो इसमें इसमें तो तो कुछ कुछ है है नहीं नहीं एबीसीडी एबीसीडी में, में, तो तो मैं मैं इसका इसका बैकअप बैकअप लेके लेके आपको आपको दिखाता दिखाता हूँ। हूँ। जो जो अमेरिका अमेरिका है है इसका, इसका, मैं मैं इस इस पर पर क्लिक क्लिक करूंगा। करूंगा। यहाँ यहाँ पे पे राइट राइट क्लिक क्लिक किया, किया, राइट राइट क्लिक क्लिक करने करने के के बाद बाद आप आप क्या क्या करेंगे, करेंगे, इस इस पे पे आएंगे आएंगे टास्क टास्क पे पे आएंगे, आएंगे, टास्क पे आए, देखिए देखिए यहाँ यहाँ पे पे बैकअप बैकअप लिखा लिखा हुआ हुआ है। है। अब अब बैकअप पे बैकअप पे क्लिक क्लिक करेंगे करेंगे तो तो ये ये इस इस तरह तरह से से ओपन ओपन होके होके आएगा, आएगा, ठीक ठीक है। है। यहाँ यहाँ आने के आने के बाद बाद आप आप इसको इसको यहाँ यहाँ पे, पे ये ये देखिए देखिए ऑलरेडी ऑलरेडी ये ये पाथ पाथ बना बना हुआ हुआ है है इसमें इसमें कि कि सी सी ड्राइव ड्राइव में में प्रोग्राम प्रोग्राम फाइल फाइल में में जा जा रहा रहा है, है, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, एसक्यूएल, एमएसएसक्यूएल, बैकअप बैकअप फाइल फाइल बना बना हुआ हुआ अमेरिका अमेरिका जिसमें। जिसमें। अब अब आप आप इसको इसको जैसे जैसे ही ही ओके ओके करेंगे करेंगे ये ये क्या क्या करेगा करेगा आपका आपका बैकअप बैकअप हो, हो, यहाँ यहाँ पे पे प्रोग्रेस प्रोग्रेस दिखाएगा, दिखाएगा, ये ये जो जो रेडी रेडी लिखा लिखा हुआ हुआ है है यहाँ यहाँ पे, पे, और और यहाँ यहाँ पर पर बैकअप बैकअप जैसे जैसे ही ही हो हो जाए जाए आप आप बोल बोल देगा देगा हाँ हाँ बैकअप बैकअप हो हो चुका चुका है, है, आप आप इसको इसको ओके ओके कीजिए। कीजिए। परसेंटेज सर हो सर गया मेरे 100%। पास हाना है, जिसमें मेरा डाटाबेस हाना है, वो हाना का बैकअप जो मैं लेता हूँ वो मैं किसी और तरीके से लेता हूँ, नहीं ये उसको सिक्वल के कमांड दोनों। चलाना पड़ता है, उसको कमांड चलाने कमांड पड़ते चलाने हैं। पड़ते हैं। हाँ तो मुझे अलग अलग है ना सर, ये सिक्वल का बैकअप है ना, ये एसक्यूएल का एसक्यूएल का बैकअप है, बैकअप हाना है, का हाना का डेटाबेस का डेटाबेस का अलग अलग बैकअप, बैकअप उससे है, उससे कमांड कमांड है, है, वो वो कमांड कमांड लिख लिख के के उसको उसको बैकअप बैकअप लेना लेना पड़ता पड़ता है। है। नहीं मेरे पास एक आइकन है विन एसएपी का, वहां पर से मेरे बैकअप ही रहता था। आपका वो आपका अपना या फिर अपना आप अपना बिगिनर साइट बिगिनर यूजर साइट में यूजर में जाके जाके वहां पे वहां ले पे ले सकते हैं। सकते हैं। हाँ जी, मतलब दोनों का डिफरेंस है ना, सी जो आप दिखा रहे हो सिक्वल बैकअप है, ये ये एसक्यूएल का एसक्यूएल का बैकअप बैकअप है, है, एसक्यूएल का, एसक्यूएल का, सॉरी हाँ एसक्यूएल का, अच्छा ठीक है ये सर, एसक्यूएल का, ठीक है। ठीक है। अब रही अब बात रही बात कि कि अब अब आपको आपको डेटाबेस डेटाबेस रिस्टोर रिस्टोर करने करने हैं, हैं, ठीक है। ठीक तो है। ये ये बैकअप हो बैकअप गया, हो अब गया, अब बैकअप बैकअप होके हो गया गया कहाँ, कहाँ, तो तो ये ये जाएगा जाएगा आपका आपका सी सी ड्राइव ड्राइव में में जाइए, जाइए, सैप सैप में में और और चेक चेक कीजिए, कीजिए, जो जो मैंने मैंने पाथ पाथ दिखाया दिखाया था था वहां वहां पे पे आपको आपको ये ये डेटाबेस डेटाबेस दिखेगा, दिखेगा आपको आपको जो जो मैंने मैंने बैकअप बैकअप लिया लिया है। है। तो तो सबसे सबसे पहले पहले मैं मैं आया आया सी मैं सी ड्राइव में, ड्राइव में, ठीक है। ठीक है। सी ड्राइव सी में आने ड्राइव के में बाद आने का प्रोग्राम प्रोग्राम फाइल फाइल में में जाइए, जाइए, प्रोग्राम प्रोग्राम फाइल फाइल में में सैप सैप में में आइए, आइए, सैप सैप में में आने आने के के बाद बाद सैप सैप बिजनेस बिजनेस वन वन में में आ आ जाइए, जाइए, ठीक है। ठीक है। और और यहाँ यहाँ पे पे आप आप देखिए देखिए सर्वर सर्वर करके, करके पाथ था, मुझे पाथ फिर मुझे से फिर से देखना, देखना पड़ेगा। ठीक है। ये ये है है प्रोग्राम प्रोग्राम फाइल फाइल माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर, सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर प्रोग्राम फाइल, माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर बैक इसमें इसमें है है माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल ठीक सर्वर, ये ठीक है। उसके है। उसके बाद बाद लास्ट एम एस एमएस एसक्यूएल एसक्यूएल 15.1, 15.1 ये ये है, है, ठीक ठीक है। इसके है। बाद इसके एम बाद एस एमएस एसक्यूएल, एसक्यूएल ये ये बैकअप आ बैकअप आ गया, गया, इसमें इसमें आपका ये आपका ये देखिए, देखिए, ये आया ये आया आज के आज डेट के में, डेट अगर में अगर देखेंगे तो ये देखेंगे तो 25 तारीख है, 10:27, 10:27, ये ये हमारा हमारा बैकअप बैकअप आया, आया, ठीक है। ठीक है। ये ये हमारा हमारा बैकअप है, यहाँ पे यहाँ पे बैकअप आ बैकअप गया। आ गया। अब अब आपको आपको रिस्टोर रिस्टोर करना है करना तो है तो यहाँ पे यहाँ पे आइए, आइए, में आ यहाँ जाइए, जाइए, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे यहाँ आने पे के आने के बाद बाद रिस्टोर डेट रिस्टोर डेट आपको कहाँ आपको पे कहाँ पे करना है, करना है, देखिए देखिए। यहाँ यहाँ पे पे हम क्या हम किए क्या थे, किए थे, डेटाबेस पे डेटाबेस जाके पे जाके बैकअप बैकअप लेना लेना था, था, तो हम तो हम बैकअप बैकअप डेटाबेस पे डेटाबेस जाके पे राइट जाके क्लिक राइट किए क्लिक थे। किए अब थे, हमें अब हमें रिस्टोर रिस्टोर करना करना है, है, तो इस तो इस डेटाबेस डेटाबेस पे पे राइट राइट क्लिक क्लिक करेंगे और करेंगे और रिस्टोर रिस्टोर डेटाबेस डेटाबेस करेंगे, करेंगे, रिस्टोर रिस्टोर डेटाबेस डेटाबेस किया, किया, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे यहाँ आया, पे आया, उसके उसके बाद बाद डिवाइस, डिवाइस एड देखिए देखिए यहाँ पे आ यहाँ गया, पे आ ये गया। ये बैकअप में ही बैकअप में लेके ही आया, जहाँ लेके पे आया, ये जहाँ पे ये फाइल सेव फाइल था सेव वहीं वहीं पे पे है। आया। अब इसमें इसमें जितने जितने भी भी फाइल फाइल होंगे होंगे उसमें उसमें से से आप आप उठा उठा लीजिए, लीजिए, ठीक ठीक है। है। जैसे जैसे एक एक ये ये है, है, जो भी जो भी फाइल है फाइल है इसमें आप इसमें उसको आप इसको उठा उठा लीजिए, लीजिए, आप आप इसको इसको ओके ओके कर कर दीजिए, दीजिए, ठीक है। ठीक है। ओके ओके करने के करने के बाद बाद इसको इसको ओके ओके करेंगे करेंगे तो तो हमारा हमारा ये ये रजिस्टर रजिस्टर हुआ। हुआ। तो तो मैं मैं इसको इसको करने करने रहा रहा था था क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी अमेरिका अमेरिका एनर्जी एनर्जी है, है, तो उसको तो वो उसको करेगा, वो तो उसमें करेगा, मैं तो उसमें रजिस्टर मैं करना रजिस्टर नहीं करना है, नहीं है, बस आप बस आप इसको इसको ओके ओके करेंगे करेंगे तो तो आपका आपका क्या क्या हो हो जाएगा, जाएगा, ये ये रजिस्टर रजिस्टर हो हो जाएगा। जाएगा। तो तो इस इस तरह तरह से से हम हम
तो ये जो मेन काम है ये आपका प्राइमरी फेज का है कि कैसे आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, कैसे आप उसका बैकअप लेंगे और कैसे आप उस बैकअप डेटाबेस को रिस्टोर करेंगे। सपोज दैट आप कुछ काम कर रहे हैं, गलत हो गया है, तो अगर आपका जो डेटाबेस है और एवरी डे जो इम्प्लीमेंटेशन टीम होती है शेड्यूल बैकअप लगा रखा होता है, एवरी डे 9 PM का हम लोग लगवा के रखे रहे हैं, तो 10 बजे का रात का इंडस्ट्री के जैसे वर्क है उस हिसाब से, ताकि वो क्या एवरी डे का हमारा बैकअप रहे। आज रात का अगर बैकअप है हमारे, कल अगर कोई चीजें मिस्टेक हो गई तो उसको हमने हटाया, उस बैकअप को हमने रिस्टोर कर दिया, तो हमारा वो वहां से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो बैकअप लेने का ये बेनिफिट होता है आपका, फिर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन लगा दिया, 7 डेज या 10 डेज या 15 डेज जैसे ही होगा, 15 डेज के बाद का जो डेटाबेस